अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज मैं आई हूँ ईद की शॉपिंग करने। तो जनाब, मैं सारे ब्रांड्स पर घूमूंगी इंशाल्लाह, जितने मुझे मुल्तान में मिलेंगे मैं सब पर घूमूंगी, आप लोगों को सब की शॉपिंग दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, आप लोग भी ईद की शॉपिंग ईजिली कर सकें। तो यहाँ पर जनाब, मैं पहले एथनिक पर आई हुई थी। ये मैंने शर्ट देखी, फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, लेकिन शॉर्ट शर्ट है, जिन बच्चियों को लेनी हो जिनको भी, तो वो आराम से इसको बाय कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर, और इसके साथ जनाब आप लोगों को एक और बात बता दूं, क्यूलॉट था बहुत ही अच्छा, प्लेन क्यूलॉट था, ठीक है। शर्ट पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, और यहाँ पर ये वाली जो शर्ट है इसके साथ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसके साथ भी क्यूलॉट है। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं, ये चिकनकारी का काम हुआ हुआ है, लाइट पर्पल कलर है, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो यहाँ पे टू पीस ड्रेसेस हैं वो 8000 से कम नहीं है, लेकिन जहाँ जो यहाँ थ्री पीस ड्रेसेस हैं वो आप लोगों को 18000-17000 की रेंज में मिलेंगे। तो यहाँ पर जनाब ये वाले जो ड्रेसेस थे, ये मैंने पहले ही देख लिए हुए थे सोइयों वाली ईद पर, छोटी ईद पर हम लोग देख चुके थे। तो ये जनाब सब ये न्यू ड्रेस इनके पास आया है। तो यहाँ पर ये आप लोग देखें, इसमें बड़ी स्मार्ट लुक आती है, और इसका नीचे जो है ना शरारा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप लोग देखें, नीचे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और इस तरह की शर्ट जो होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसमें इंसान काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है। तो जनाब यहाँ पर ये पर्पल कलर था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मुझे सितारे का हल्का हल्का काम भी हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड भी हुई, लेकिन इसकी बैक साइड की जो नेक लाइन है ना वो बहुत ही बड़ी है, तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा। ये आप लोग देख सकते हो कितना बुरा लग रहा है। उसने तो आराम से हाथ डाल के, और जनाब यहाँ से उसने कार्ड भी निकाल लिया कि क्या इसके प्राइस है। तो जनाब यहाँ पे टैग पे लिखे हुए थे 10,990 इसके प्राइस हैं। तो जनाब यहाँ पर हम इसको वापस ठहरा देंगे, क्योंकि इतना मज़ा नहीं आया इसको देखने पे मेरे, ज़्यादातर आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं आई थी ड्रेसेस। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हो, अच्छा मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अपनी शॉपिंग भी जो है वो ली है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हो, ये थ्री पीस सूट थे। यहाँ पर जनाब ये ग्रीन कलर का ड्रेस है। अच्छा, यहाँ पर थ्री पीस सूट जितने भी हैं ना, ठीक है, उनकी शर्ट जो है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है, मगर जो दुपट्टे हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और ऐसे समझे, मेरी तो वीकनेस है कि जब दुपट्टे बहुत ज़्यादा प्यारे हो ना, भले शर्ट सिंपल भी हो ना, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 18,000-19,000-20,000 की रेंज में ये सारी जो है वो लगे हुए थे ड्रेसेस। तो जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस मौजूद थे यहाँ पर। तो जनाब नेक्स्ट मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ, ये टू पीस ड्रेसेस लगे हुए थे, ये आप लोग देखें, इस पर भी सारा सितारा वर्क हुआ हुआ है, और फैंसी ड्रेसेस हैं, ईद पर आप आराम से ये जो है वो वेयर कर सकते हो। और ये वाला जो ड्रेस है, ये आप लोग देखें, ये हर किस्म के सीज़न के लिए चल जाए, भले वो विंटर हो, समर हो, या कुछ भी हो, तो ये बहुत अच्छा मतलब ड्रेस है, फैंसी ड्रेस था। तो इसको आप देखो, इसके जो फ्रंट पे सारा जो है वो इस तरीके से काम हुआ हुआ है सितारे का। और यहाँ पर जनाब इसका दुपट्टा देखें, और ऑर्गेन्जा में है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और फुल दुपट्टा जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। और यहाँ पर आप तो देख सकते हैं, इसके साथ जो है वो इस तरीके से जो है वो शरारा उन्होंने दिया हुआ था, और ये एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा सारा आप लोग देख सकते हो, इस पर सितारे का वर्क हुआ हुआ है, साथ में एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारा दुपट्टा लग रहा था। और ये ड्रेस पूरा ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और जनाब ये 22,000 में आप लोगों को मिल जाएगा थ्री पीस सूट। और यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हो, ये सारे मैं स्टिच्ड आइटम आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी स्टिच्ड ही पसंद है, मैं अनस्टिच इतने ज़्यादा नहीं लेती ड्रेसेस। ये जनाब टू पीस ड्रेसेस लगे हुए थे, और ये जनाब मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगा ड्रेस, कि ये ड्रेस बाय कर लो, पता नहीं मर्दों को येलो कलर क्यों पसंद आ जाता है, और इस तरीके के काम बस तो पाएँ। अच्छा खैर, उसके अलावा ये परफ्यूम्स लगे हुए थे, इन पर जनाब सेल लगी हुई थी। मैंने पूछा इन पर क्यों सेल लगी हुई है, तो उन्होंने बोला ये हमारे सेल नहीं हो रहे, जिस जिसने लेने हैं तो जाओ भागो और जाके ले लो। कितना अच्छा लग रहा है। क्या प्राइस है इसके? तो यहाँ से जनाब एथनिक से हो गई थी शॉपिंग जो हमने करनी थी, उसके बाद जनरेशन पर आ गए हम लोग। जनरेशन पर वो लोग बता रहे थे कि अभी हमारी ईद कलेक्शन नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि क्या पता कोई ना कोई ड्रेस मुझे अच्छा लग ही जाए। तो खैर यहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाया कि एक दो ड्रेसेस जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा ईद कलेक्शन जो है वो हल्की हल्की से मतलब अभी आना स्टार्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो खैर उसके बाद जनाब यहाँ पर मुझे
दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जो मैंने बाय कर ली। और यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हो, जी जिसको यहाँ पर आना है ये चीज़ें लेनी है तो आप लोग आके लिख सकते हो। मैं एक दफ़ा घुमा रही हूँ सारा कैमरा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जिन लोगों को देखना है मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि किस ब्रांड पर आप लोगों को जाना चाहिए किस पर नहीं। तो यहाँ पर जनाब ये लगा हुआ था 50% ऑफ, ये हैंगर्स वगैरह लगे हुए थे, आप लोगों के फैंसी ड्रेसेज हैं तो आप लोग यहाँ पर आकर जनाब साहब ये हैंगर्स ले सकते हैं ताकि आपकी नेक लाइन वगैरह ख़राब ना हो। 50% ऑफ लगा हुआ था जनरेशन पर। और ये जनाब साहब हेयर बैंड्स लगी हुई थी यानी कि पोनीज, और बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज में लगी हुई थी, 200 में जस्ट लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे इसमें प्रिंट्स थे। तो मैंने यहाँ से भी कुछ बाय कर ली और उसके बाद जनाब ईडन रोड पर आ गए, शायद यहाँ पर ही कोई ना कोई मुझे ड्रेस अच्छा लग जाए। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी, इन्होंने भी यही बोला कि अभी हमारी कलेक्शन नहीं आई है। तो यहाँ पर जनाब बच्चों के जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अपनी बेटी के लिए, तो मैंने ये बाय कर लिया। उसके बाद जनाब हम लोग आगे गए, तो जनाब आगे यहाँ बस जैसे ही वाप आए थे और वैसे ही ईडन रोड से वापस हम लोग जा रहे हैं भागे भागे। उसके बाद जनाब हम आ गए लाइम लाइट के ऊपर, लाइम लाइट के ऊपर 35% ऑफ लगा हुआ था बैग्स पे, और ये वाली शर्ट मुझे दूर से बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमने जनाब सब पास आके देखा तो मज़ा नहीं आया। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतना रश लगा हुआ था बहुत। फिर हमने कहा थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं, तो यहाँ पर जनाब मैंने मंगवाया ग्रीक सैलड जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि आजकल मैं थोड़ी सी अपनी डाइट पे हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है मैंने अपने मुंह को ताकि मेरा मुंह थोड़ा सा बंद हो जाए। तो यहाँ पर जना आप लोगों को पता है रोटी जो है वो मैं बहुत कम खा रही हूँ, ना होने के बराबर। तो यहाँ पर जनाब बारबेक्यू जो है वो तो आप लोगों को पता है कि डाइट में शामिल होता है। तो यहाँ पर जनाब ये चुन्नी सी थी मेरी प्लेट और मैंने इसको बना लिया अपने साथ के भाई चलो भाई फोक के साथ हम यही गुजारा करते हैं। उसके बाद जनाब हम आ गए स्फायर पे, स्फायर पे जनाब भागे भागे ऊपर गए क्योंकि ऊपर स्ट्रिक्ट आइटम है नीचे अनस्ट्रिक्ट आइटम है। और यहाँ पर जनाब हम लोग आ गए और यहाँ पे जो जो लोग मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैंने ये ड्रेस कहाँ से लिया है जो मैंने वेयर किया हुआ है, तो ये जनाब जनरेशन का ड्रेस है, 2 पीस मुझे ड्रेस मिला था। आगे आगे जनाब फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पर जनाब सफ़ायर वालों ने जो ड्रेस लगाया हुआ है उसके साथ मैचिंग के शूज़ भी रखे हुए हैं। जैसा कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जो लोग मैचिंग के पीछे पागल होते हैं तो वो तो जनाब जो ड्रेस लेंगे उसके साथ के शूज़ भी लेंगे क्योंकि इन्होंने मैचिंग ही रखी हुई थी। मतलब मेरे जैसे लोग, मैं तो मैचिंग के पीछे बिल्कुल ही पागल हूँ, मुझे तो ऐसे होता है कि नेल पेंट और हर चीज़ मैचिंग 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 होनी चाहिए, शायद वो मुझे ही टोन मार रहे होंगे। खैर ये जनाब सब आप लोग देख सकते हो दुपट्टे लगे हुए थे, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इस पर तिल्ले का काम और एम्ब्रॉयडरी हुई थी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी। और क्योंकि मेरे पास तो मैचिंग का कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि जिसके साथ मैं मैचिंग करूँ, तो जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ डिटेल में। और यहाँ पर मज़ा मुझे नहीं आया कोई भी खास, यहाँ से मुझे कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगा। और सफ़ायर से भी जिस तरह हम भागे भागे आए वैसे ही हम भागे भागे चले जाएंगे और ब्रांड्स के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए सारे दिखा रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ। उसके बाद जनाब हम लोग चले गए जेडूट पे और जेडूट पे लगी हुई थी सेल, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा ड्रेस थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि इस पर हैमर वर्क हुआ हुआ था और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में लगा हुआ था क्योंकि सेल में था, डिस्काउंट था। बट जब मैंने इसका दुपट्टा देखा तो मुझे बिल्कुल भी चस नहीं आई, तो मैंने सोचा मैंने कहा छोड़ो इसको दफ़ा करो। और उसके बाद जनाब ये बेबी पिंक कलर का ड्रेस अच्छा आवाम ऐसी गिरी पड़ी थी ना जे डॉट के ऊपर, क्योंकि लोगों को जहाँ जहाँ अगर लॉन के ड्रेसेस वेयर करने हैं बाय करने हैं तो वो तो आराम से जाएं और जे डॉट से जाके बाय करें क्योंकि यहाँ पे जनाब 25% ऑफ 30% ऑफ लगा हुआ है, आप लोग आराम से जाओ और जाके इंजॉय करो, बहुत सारे कपड़े लेकर आओ। तो जनाब लेकिन वैसे 25% ऑफ का कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ भाई 50% ऑफ हो तो फिर जाके पता है चलता है। तो ये जनाब ये ग्रीन कलर का ड्रेस था, बहुत ही प्यारा, इस पर तिले का काम हुआ हुआ था, लेकिन उन लोगों के लिए जो न्यूली मैरिड हैं वो आराम से इसको लें और मज़े करें, ईद गुजारें। बस यहाँ पर जनाब अनस्टिच ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, जो लोग अनस्टिच ड्रेसेस लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जाकर ज़रूर विज़िट करें। लेकिन यह जो है स्टिच ड्रेसेस में मुझे इतना मज़ा नहीं आया, अनस्टिच ड्रेस आप लोग ज़रूर जाएँ और ज़रूर बाय करें यहाँ से, अगर आप लोग इस साल सिलवाना चाहते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर स्टिच करवाना चाहते हैं तो ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मुझे नज़र आया था, इस पर थोड़ा सा मतलब काम हुआ हुआ है और दुपट्टे पे भी काम हुआ हुआ था। और बस यहाँ से जनाब हम लोग निकलते हैं
और ब्रांड के ऊपर चलते हैं ताकि हम लोग और जगह से भी देख सकें। तो यहाँ पर जनाब मैं आप लोगों को जाते जाते शर्ट्स दिखा रही थी, 5000 की रेंज में ये जो शर्ट लगी हुई है और आप लोग देखो वो भी सेल में, तो बस नहीं मज़ा आया यार। तो यहाँ पे जनाब मैं आ गई थी तारिक जमील पे, लेकिन मैंने बाहर से ही जब देखा तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। उसके बाद हम लोग मारिया भी पर चले गए, तो वहाँ पर मैंने ड्रेसेस देखे, वहाँ पर भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड को एक परफ्यूम अच्छा लगा, उन्होंने वो बाय कर लिया। उसके बाद जनाब हम लोग अलमीरा पर आए, जब अलमीरा पर आए तो वो टैग्स लगा रहे थे कि कल उनकी सेल लगी हुई थी, सेल लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम आप कल आ जाइएगा क्योंकि कल हमारी सेल लग जाएगी। हमने कहा चलो जी, हम जैसे बिज़ी लोग, बच्चों से कभी कभी फुर्सत मिलती है तो हम निकल आते हैं, अब मिलेगी फुर्सत तो आ जाएंगे, जब तक आपके सारे ड्रेसेस जो है वो आवाम लूट लेगी। तो जनाब जो ड्रेसेस मैंने बाय किए हैं ईद के लिए वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा, रब रखा।